इस वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस बुक का जबरदस्त चैप्टर समझेंगे। इसके बारे में जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, एसिड बेस इंडिकेटर्स की थ्योरी, सॉल्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। तो भैया एसिड बेस और सॉल्ट्स को समझना है तो पहले चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, पहले उसे देखिए फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए बेसिकली दो कलर्स के लिटमस पेपर्स अवेलेबल होते हैं, रेड एंड ब्लू। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड से टच करवाए तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर को बेस से टच करवाए तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। कलर चेंज होने में सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है, और इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके सामने जो चीज रखी है वो एसिडिक है या बेसिक। अगर एक्वास सॉल्यूशन है तो हम पेपर की जगह लिटमस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल इंडिकेटर्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन। फॉर एग्जाम्पल, फिनोल्फथेलिन को 8 से 10 के बीच की पीएच वाले केमिकल से रिएक्ट करके वो कलरलेस से पिंक कलर का हो जाता है। अब जिनको पीएच का नहीं पता उनके लिए सिंपल भाषा में 7 पीएच वाली चीज न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे वाली पीएच वाली चीज एसिडिक होती है, और 7 से ऊपर की पीएच वाली बेसिक। आइए अभी थोड़ा एसिड और बेसिस के बारे में थोड़ी बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए जो एसिड होते हैं जब वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिन्हें हम इक्वेशन में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मैं वापस एक बार याद दिला रहा हूँ, अगर चैप्टर 1 नहीं आता तो ये वीडियो में आपको ज्यादातर चीजें समझ नहीं आएगी, तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखो। जैसा कि हमने एसिड में देखा, बेस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। देखिए सिंपल से एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिड में मान लो हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो बनेगा NaCl सॉल्ट यानी कि नमक, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। आइए अभी एक बेस लेते हैं, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा NaAlO2 जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस। अभी के लिए आप ज्यादा दिमाग मत लगाना कि रिएक्शन से ऐसी चीजें क्यों प्रोड्यूस हो रही है और कुछ क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ। देखो अभी आप इन झंझटों में मत पड़ो, वो सब चीजें आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलेगी। आइए अभी देखते हैं एसिड मेटल के कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करते हैं। कार्बोनेट मतलब CO3, जिस मेटल के साथ CO3 जुड़ा हुआ हो उसे उस मेटल का कार्बोनेट कहते हैं, और HCO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों में ही सेम रिएक्शन देखने को मिलेगी। दोनों में से कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। बेस मेटल के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब आइए देखते हैं एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर वो आपस में रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, HCl एसिड प्लस बेस NaOH मेक्स H2O प्लस NaCl। इस चीज को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर पानी बना रहा है और पानी की pH न्यूट्रल होती है। अब आइए देखते हैं एसिड्स की मेटल्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसी होती है। जैसा कि हमने एसिड और बेस की रिएक्शन में देखा कि वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, यहाँ पर NaCl सॉल्ट और H2O बनेगा। सेम प्रोडक्ट्स बेस की नॉन मेटल्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से मिलेगी। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों में हमने कंक्लूड क्या किया, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जो सेम चीज एसिड एंड बेस की रिएक्शन से भी मिलती है। मतलब यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हुए तभी वो एसिड के साथ ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर है तभी वो बेस के साथ ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं। अभी आपने एसिड की प्रॉपर्टीज देखी, लेकिन ऐसी तो कौन सी चीज है जो एसिड की एसिडिटी के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो मैं अभी नहीं समझाने वाला, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप चाहे तो आपकी 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि एसिड दो चीजों से बना हुआ होता है, कैट आयन और एन आयन। कैट आयन के फॉर्म में एसिड में होता है H+ आयन, जो कि नेगेटिव आयन यानी कि एन आयन के साथ अटैच होकर एसिड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, HCl- के साथ अटैच होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, CH3COOH H+ के साथ अटैच होकर CH3COOH यानी कि एसिडिक एसिड बनाता है। सो बेसिकली H+ ही वो आयन है और कैटायन है जो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, और इसी वजह से जब एसिड की पानी के साथ रिएक्शन होती है तो वो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
HCl प्लस वाटर, इस रिएक्शन से HCl का H प्लस H2O के साथ मिल जाएगा और H3O प्लस आयन फॉर्म करेगा और बचा हुआ Cl माइनस अलग हो जाएगा। जैसे एसिड पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, वैसे बेस पानी के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दूर होते हैं। नेगेटिव में मेनली OH माइनस प्रोड्यूस होता है। हम पानी में एसिड और बेस को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एकदम प्योर फॉर्म में हम डेली एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे यूज नहीं कर सकते, और इसे पानी में मिलाने की प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन का प्रोसेस एकदम धीरे धीरे होता है क्योंकि अगर अचानक से डालेंगे तो धमाका हो जाएगा, और आप ऐसा कभी ट्राई मत करना। अब एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग कितना है वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पीएच की बात की थी कि 7 से ज्यादा पीएच वाली चीजें बेस होती है और 7 से कम वाली चीजें एसिडिक नेचर की होती है। 7 से पीएच जितनी ज्यादा कम होगी वो चीज उतनी ही एसिडिक होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का पीएच 6 है और दूसरी चीज का पीएच 3 है तो 3 वाली ज्यादा एसिडिक होगी, और अगर कोई चीज की पीएच 10 है और दूसरी की 13 है तो 13 वाली ज्यादा बेसिक होगी। मतलब कि पीएच स्केल में इस तरह हो जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, और इस तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। प्योर वाटर और प्योर ब्लड, उनकी पीएच 7 होती है, मतलब कि ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक, मतलब एकदम न्यूट्रल होता है। जो बारिश होती है उनकी नॉर्मल पीएच 6 से 7.5 के बीच में होती है, लेकिन अगर बारिश की पीएच 5.5 से नीचे हो जाए या अराउंड 5.6 से नीचे हो जाए तो उसे एसिड रेन कहा जाता है, जो नदी में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक है। जिन सॉइल की पीएच 5 से 7 के बीच में होती है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट होते हैं। जो हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट करने के लिए HCl सीक्रेट होता है उसकी पीएच 2 से भी कम होती है, इसलिए जब ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, और इसके लिए हमें एंटासिड या फिर कुछ बेसिक चीजें कंज्यूम करनी पड़ती है। जो हमारे दांत होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन एसिड से डिग्रेड हो सकता है। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड को सिक्रीट करते हैं जो दांतों को डैमेज करता है, इसलिए ब्रश करने से या दांत साफ करने से वो बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। जो मधुमक्खी हमें काटती है वहाँ पर बर्निंग पेन इसलिए होता है क्योंकि वो भी एसिड रिलीज करती है, जो बेसिकली फॉर्मिक एसिड होता है। कुछ प्लांट्स को भी अगर हम टच करें तो वो भी एसिड रिलीज करते हैं, मेनली मीथेनोइक एसिड, जिससे हमें जलन होती है या फिर बर्निंग पेन होता है। आगे हमने एसिड बेसिस के बारे में देखा, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ एसिड देखा, प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ बेस देखा, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना। आइए अभी जानते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होगा, यानी कि उसकी पीएच 7 होगी। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है तो उसका सॉल्ट एसिडिक होगा, यानी कि उसकी पीएच 7 से भी कम होगी, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो उसका सॉल्ट बेसिक नेचर का होगा, यानी कि उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। समंदर में काफी सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें से सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को अलग किया जाता है और उसे हम खाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड के पत्थर और भी काफी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें और भी काफी सारी इम्प्योरिटीज होती है जिससे वो ब्राउन कलर के दिखते हैं, जिन्हें रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। ये रॉक सॉल्ट की जो फील्ड होती है वो जब हजारों साल पुराने समंदर सूख जाते हैं तब फॉर्म होती है। जो कॉमन सॉल्ट NaCl होता है उसका यूज काफी सारी चीजों के रॉ मटेरियल के तौर पर भी किया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एटसेट्रा। जैसे कि लिक्विड सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। प्रोसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ऊपर से जो क्लोरीन गैस निकल रहा है उसकी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और साथ में पानी बनता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaCl की कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है, जिससे एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए एंटासिड्स की प्रिपरेशन में और भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है, और अगर सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल को 10 पानी के मॉलिक्यूल से प्रोसेस करवाया जाए तो वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अगर हम ऐसे क्रिस्टल्स को फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो उससे पानी रिमूव हो जाता है और सॉल्ट नीचे टेस्ट ट्यूब में पाउडर के फॉर्म में पड़ा रहता है। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर पहले पानी के मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए वो क्रिस्टल्स फॉर्म में था, और इसीलिए उस पानी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O, जिसको अगर हम गर्म करें तो
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 into 1F H2O, जिसे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पहले पेरिस के नजदीक से माइन किया जाता था और डॉक्टर्स इसे एज अ प्लास्टर यानी कि हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 1 1/2 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करें तो वापस जिप्सम बन जाएगा। अभी देखिए इतने मॉलिक्यूल्स हम रियलिटी में गिन नहीं सकते, इसके लिए हमें लैब में स्पेसिफिक मेजरमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसेस होती है। बस अभी एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर खत्म होते हैं, और 10th स्टैंडर्ड में हो तो एक बार बुक में से पढ़ लेना। ये वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।